जय भवानी। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। आज हम जानने वाले हैं राजपूत समाज के एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध वंश राठौड़ वंश के बारे में। राठौड़ वंश राजपूत समुदाय का एक प्रसिद्ध वंश है। इस वंश के राजपूतों ने भिन्न भिन्न समय में देश के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। राठौड़ों की वीरता के लिए एक विश्व विख्यात पंक्ति है, बलहट बंका देवड़ा, करतब बंका गोड़, हाड़ा बंका गाड़ में, रण बंका राठौड़। इस वंश की उत्पत्ति के अनेक मत है। राठौड़ों के भाट इन्हें हिरण्यकश्यप का वंशज मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार सतयुग और त्रेता युग के राजाओं के वंशज मानते हैं राठौड़ राजपूतों को। लेकिन वास्तव में राठौड़ राजपूत भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। इस कारण ये सूर्यवंशी राजपूत हैं। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के कुल में सुमित अयोध्या का अंतिम राजा था। नंद वंश के राजा महापद्मानंद ने अयोध्या को अपने राज्य में मिला लिया। तब राजा सुमित के एक वंशज कुरुम के वंशज बिहार निषिद्ध ग्वालियर और नरवर होते हुए राजस्थान में आए, जो कि कछवाहा राजपूत कहलाए, तथा राजा सुमित के दूसरे वंशज विश्वराज के वंशज राष्ट्रवर या राठौड़ राजपूत हुए। संस्कृत साहित्य में राठौड़ों को राष्ट्रकूट भी कहा गया है, जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था। उत्तर भारत के राठौड़ तथा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट एक ही वंश के हैं। राठौड़ वंश का गोत्र होता है गौतम और कश्यप। कश्यप गोत्र वाले राठौड़ों का प्रवर होता है कश्यप सांडिल्य तथा अत्रि। गौतम गोत्र वाले राठौड़ों का प्रवर होता है गौतम वशिष्ठ तथा बारहस्पत्य। इनका वेद होता है सामवेद, शाखा होती है कौथुमी, सूत्र होता है गोबिल ग्रह सूत्र, गुरु है शुक्राचार्य, मंत्र है गोपाल मंत्र, नदी है सरयू, पर्वत है गंगे पर्वत, विरुद्ध है रणबंका, घोड़ा है श्यामकर्ण, झंडा है गगनचुंबी, तलवार है रणकंगण, इष्ट देव है भगवान शिव तथा हाथी है मुकना। राठौड़ वंश की कुलदेवी की बात करें तो राठौड़ वंश की कुलदेवी सतयुग में मुचकुंद, त्रेता युग में बहुंदा, द्वापर युग में पांखने चिन्ह तथा कलयुग में नागनेचिया माता है। राठौड़ों की कुलदेवी नागनेचिया माता है, जिससे पहले नाम राठेश्वरी था। नागनेची माता का मंदिर राजस्थान के नागणा में स्थित है तथा दूसरा मंदिर जोधपुर किले में स्थित है। गाँव में नागनेची माता का मंदिर सामान्यतः नीम के पेड़ के नीचे होता है। इसी कारण राठौड़ राजपूत नीम के पेड़ को काटते या जलाते नहीं हैं। अब जानते हैं राठौड़ वंश की शाखाओं के बारे में। इसके बाद आगे हम जानेंगे राठौड़ों की रियासतें और ठिकानों के बारे में। राठौड़ राजपूतों की प्राचीन 13 शाखाएँ थीं। इन्हीं 13 शाखाओं से राठौड़ या राष्ट्रकूट वंश चला। पहली शाखा है दानेश्वरा। ये राजा धर्मबिंब एक दानी व्यक्ति थे, इसलिए उनके वंशज दानेश्वरा कहलाए। इन्हें कमध्वज भी कहा जाता है। दूसरे हैं अभयपुरा। राजा पुंज के पुत्र भानुदीप कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के शासक थे। देवी ज्वालामुखी ने इन्हें निडर बना दिया, इसलिए इनके पुत्र अभयपुरा कहलाए और इनके वंशज अभयपुरा कहलाए। तीसरी है कपालिया। राजा पुंज के तीसरे पुत्र वीरचंद्र के वंशज कपालिया कहलाए, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को कपाल चढ़ाया था। चौथा है कुरहा। राजा पुंज के पुत्र अमर विजय ने परमारों से कुरहगढ़ जीता, इसलिए इनके वंशज कुरहा कहलाए। जलखेड़िया। राजा जसचंद्र ने जलखेड़ा पाहण बसाया, इसलिए इनके वंशज जलखेड़िया कहलाए। बुगलाणा। राजा पुंज के पुत्र पद्म ने बुगलाणा बसाया, जिससे उनके वंशज बुगलाणा कहलाए। अहर। पुंज के पुत्र अहर के वंशज अहिराव कहलाए। ये बंगाल की तरफ चले गए थे। पारकर। पुंज के पुत्र वासुदेव ने कन्नौज के पास पारकरार नामक नगर बसाया, जिसे इनके वंशज पारकर कहलाए। चंदेल। पुंज के पुत्र उग्र प्रभ ने चंदावर नगर बसाया, इसलिए इनके वंशज चंदेल कहलाए। राजपूतों के चंद्रवंशी चंदेल वंश से ये राजपूत भिन्न हैं। वो चंद्रवंशी चंदेल वंश है, ये राठौड़ों के चंदेल हैं। वीर। सुबुद्धि राजा वीर थे, इसलिए इनके वंशज वीर राठौड़ कहलाए। बरियावर।
राजा भरत ने बरियावर स्थान बसाया, इसलिए इनके वंशज बरियावर कहलाए। खरोदिया, कृपा सिंध के वंशज खरोदा स्थान के नाम से खरोदिया राठौड़ कहलाए। जयवंशी, राजा चंद्र के युद्ध में विजय होने के कारण इनके वंशज जयवंशी कहलाए। यह 13 मुख्य शाखाएं हैं राठौड़ों की। राजस्थान, यूपी, हिमाचल या दक्षिण भारत में कहीं भी राठौड़ राजपूत हो, इन्हीं 13 शाखाओं के वंशज हैं। बाद में यह 13 शाखाएं सैकड़ों शाखाओं में बट गई। ये सभी शाखाएं भगवान श्री राम के कुल के वंशजों की ही हैं। राजस्थान के सभी राठौड़ राजपूत राव सिहाजी के वंशज हैं। राव सिहाजी दानेश्वरा या कमधज शाखा के राठौड़ राजपूत थे। इनके पुत्रों और वंशजों से राठौड़ों की अनेक शाखाएं चली। इन्हीं राठौड़ों की खापों शाखाओं के बारे में हम जानते हैं। पहली शाखा है ईडरिया राठौड़। राव सिहाजी के पुत्र सोगन जी ने ईडर पर शासन किया तो उनके वंशज ईडरिया राठौड़ कहलाए। हटुंडिया राठौड़, सोगन जी के वंशज हटुंडी में रहे तो उनके वंशज हटुंडिया राठौड़ कहलाए। बाढ़ेर राठौड़, सिहाजी के छोटे पुत्र एजाजी के दो पुत्र बेरावल जी और बीजाजी ने द्वारका के चावड़ों को बाढ़ कर अथवा काट कर द्वारका पर अपना शासन किया, इसलिए बेरावल जी के वंशज बाढ़ेर राठौड़ कहलाए। बाजी राठौड़, बेरावल जी के भाई बीजाजी के वंशज बाजी राठौड़ कहलाए। ये गुजरात में सर्वाधिक बसते हैं। खड़ेचा राठौड़, सिहाजी के पुत्र आस्था जी ने गुहिलों से खेड़ जीता, इसलिए इनके वंशज खेड़ेचा कहलाए। दुहड़िया राठौड़, आस्था जी के पुत्र दुहड़ जी के वंशज दुहड़िया राठौड़ कहलाए। धांधल राठौड़, आस्था जी के पुत्र धांधल जी के वंशज धांधल राठौड़ कहलाए। लोक देवता पाबूजी राठौड़ इसी खाप के राठौड़ राजपूत थे। चाचक राठौड़, आस्था जी के पुत्र चाचक जी के वंशज चाचक राठौड़ कहलाए। हरखावत राठौड़, ये आस्था जी के पुत्र हरकाजी के वंशज थे। जोलू राठौड़, ये आस्था जी के पुत्र जोपसा जी के पुत्र जोलू के वंशज हैं। सिंघल राठौड़, जोपसा जी के पुत्र सिंघल जी के वंशज हैं। उहड़ राठौड़, ये जोपसा जी के पुत्र उहड़ जी के वंशज हैं। मूलू राठौड़, ये जोपसा जी के पुत्र मूलू जी के वंशज हैं। बरजोर राठौड़, ये जोपसा जी के पुत्र बरजोर जी के वंशज हैं। जोरावत राठौड़, ये जोपसा जी के वंशज जोरावत राठौड़ कहलाए। रेकवार राठौड़, जोपसा जी के पुत्र राका जी के वंशज हैं। ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में बसते हैं। बागड़िया राठौड़, जोपसा जी के वंशज वीरम जी के वंशज बागड़िया राठौड़ कहलाए। छप्पनिया राठौड़, यह खाप बागड़िया राठौड़ों की एक खाप है। ये राठौड़ राजपूत मारवाड़ सीमा पर 56 गांवों पर अधिकार करते थे, इसलिए इन्हें छप्पनिया राठौड़ कहा गया। आसल राठौड़, आस्थान जी के पुत्र आसल जी के वंशज हैं। खोपसा राठौड़, जोपसा जी के पुत्र खीमसी जी के वंशज हैं। खिरवी राठौड़, आस्थान जी के पुत्र दुहड़ जी के पुत्र शिवपाल जी के ये वंशज हैं। पीथड़ राठौड़, दुहड़ जी के पुत्र पीथड़ जी के ये वंशज हैं। कोटेचा राठौड़, आस्थान जी के पुत्र दुहड़ जी के पुत्र रामपाल जी, रामपाल जी के पुत्र केलन जी तथा केलन जी के पुत्र कोटा जी के वंशज कोटेचा राठौड़ कहलाए। बहड़ राठौड़, दुहड़ जी के पुत्र बहड़ जी के वंशज हैं। उनड़ राठौड़, दुहड़ जी के पुत्र उनड़ जी के वंशज हैं। फीटक राठौड़, दुहड़ जी के पुत्र रायपाल जी के पुत्र केलन जी के पुत्र धांधी जी के पुत्र फीटक जी के वंशज फीटक राठौड़ कहलाए। सूंडा राठौड़, रायपाल जी के पुत्र सूंडा जी के वंशज सूंडा राठौड़ कहलाए। महिपालोत राठौड़, रायपाल जी के पुत्र महिपाल जी के वंशज हैं। शिवराजोत राठौड़, रायपाल जी के पुत्र शिवराज जी के वंशज हैं। डांगी राठौड़, रायपाल जी के पुत्र डांगी जी के वंशज हैं। मुहणोत,
रायपाल जी के पुत्र मोहन जी की ने एक महाजन की पुत्री से शादी की, इस कारण इनके वंशज मोहनोत वेश्य कहलाए। राजस्थान इतिहासकार मोहनोत नैनसिंह भी इसी खाप के थे। मापावत राठौड़, रायपाल जी के वंशज मापा जी के वंशज हैं। लूका राठौड़, रायपाल जी के वंशज लूका जी के वंशज हैं ये राठौड़। राजक राठौड़, रायपाल जी के वंशज राजक जी के वंशज हैं ये। विक्रमायत्य राठौड़, रायपाल जी के पुत्र विक्रम जी के वंशज हैं। भावोत राठौड़, रायपाल जी के पुत्र भावन जी के वंशज हैं। बांदर राठौड़, रायपाल जी के पुत्र कानपाल जी के पुत्र जालन जी के पुत्र छाड़ा जी के पुत्र बांदर जी के वंशज बांदर राठौड़ कहलाए। ऊना राठौड़, रायपाल जी के पुत्र ऊना के वंशज ऊना राठौड़ कहलाए। खोखर राठौड़, छाड़ा जी के पुत्र तथा बांदर जी के भाई खोखर जी के वंशज खोखर राठौड़ कहलाए। सिंघक लोत राठौड़, छाड़ा जी के पुत्र सिंघल जी के वंशज हैं। बिठवासा उदावत, उदा जी के बिठवासा जागीर के वंशज बिठवासा उदावत कहलाए। सखलावत राठौड़, छाड़ा जी के पुत्र तीड़ा जी के पुत्र सखला जी के वंशज सखलावत राठौड़ कहलाए। जेतमलौत राठौड़, सखला जी के पुत्र जेतमलौत जी के वंशज जेतमलौत राठौड़ कहलाए। जूजाणिया राठौड़, जेतमाल जी के पुत्र खेत सिंह जी के वंशज जूजाणिया राठौड़ कहलाए। राड़धड़ा राठौड़, जेतमाल जी के पुत्र खीवा जी ने राड़धड़ा पर शासन करने के कारण इनके वंशज राड़धड़ा राठौड़ कहलाए। महेचा राठौड़, सलखा जी के पुत्र मलिनाथ जी के पुत्र जगमाल जी ने महेवा पर अधिकार किया, इसलिए इनके वंशज जगमाल जी के वंशज महेचा राठौड़ कहलाए। महेचा राठौड़ की चार खापे हैं। पातावत महेचा राठौड़, ये जगमाल जी के वंशज पाता जी के वंशज हैं। कालावत महेचा राठौड़, ये मेघराज जी के पुत्र कल्ला जी के वंशज है। दूतावत महेचा राठौड़, ये मेघराज जी के पुत्र दूता जी के वंशज हैं। उगा महेचा राठौड़, यह वरसिंह जी के पुत्र उगा जी के वंशज हैं। बाड़मेरा राठौड़, मलिनाथ जी के पुत्र अरड़कमल जी के वंशज बाड़मेरा राठौड़ कहलाए। पोकरण राठौड़, मल्लीनाथ जी के पुत्र जगमाल जी ने के जिन वंशजों ने पोखरण में निवास किया वे पोखरण राठौड़ कहलाए। खाबड़िया राठौड़, मल्लीनाथ जी के वंशज मांडण जी ने खाबड़ क्षेत्र पर शासन किया तो उनके वंशज खाबड़िया राठौड़ कहलाए। ये गुजरात में सर्वाधिक बसते हैं। कोटड़िया राठौड़, जगमाल जी के पुत्र कुंपा जी ने कोटड़ा पर अधिकार किया तो उनके वंशज कोटड़िया राठौड़ कहलाए। जगमाल जी के पुत्र खींवसी जी के वंशज भी कोटड़िया राठौड़ ही कहे जाते हैं। गोगादे राठौड़, सलखा जी के पुत्र वीराम जी के पुत्र गोगा जी के वंशज गोगादे राठौड़ कहलाते हैं। देवराजोत राठौड़, बीरम के पुत्र देवराज जी के वंशज देवराजोत राठौड़ कहलाते हैं। चाड़देवोत राठौड़, देवराज जी के पुत्र चाहड़देव जी के वंशज चाहड़देवरोत कहलाते हैं। जय सिंधड़े राठौड़, वीरम जी के पुत्र जेत सिंह के वंशज हैं। सतावत राठौड़, वीरम जी के पुत्र सत्ता जी के ये वंशज हैं। भीमवत, भीम जी के वंशज हैं ये राठौड़। अरड़कमलोत राठौड़, अरड़कमल जी के ये वंशज हैं। रणधीरोत राठौड़, रणधीर जी के वंशज हैं ये। अर्जुनोत, ये अर्जुन जी के वंशज राठौड़ हैं। कानावत राठौड़, ये कान्हा जी के वंशज हैं। कुंपावत राठौड़, मंडोर के राजा रणमल जी के पुत्र अखेराजी, अखेराजी के पुत्र महाराज जी के पुत्र कुंपा जी के वंशज कुंपावत राठौड़ कहलाए। कुंपावत राठौड़ों की छह मुख्य खापे हैं। महेश दासोत कुंपावत, ईश्वर दासोत कुंपावत, मांडनोत कुंपावत, जोध सिंह होत कुंपावत, उदय सिंह होत कुंपावत तथा तिलक सिंह होत कुंपावत। जोधा राठौड़, राव रीडमल जी के पुत्र जोधा जी के वंशज
जोधा राठौड़ कहलाते हैं। इन्होंने ही जोधपुर शहर की स्थापना की तथा मेहरानगढ़ दुर्ग भी बनवाया था। जोधा राठौड़ की 45 मुख्य खापे हैं, जो कि हैं बरसिंहोत, रामावत, शिवराजोत, रायपालोत, भारमलोत, कर्मसोत, बणवीरोत, खंगारोत, नरावत, सांगावत, प्रतापदासोत, देवीदासोत, शिखावत, नापावत, बाघावत, प्रताप सिंह होते, कृष्णावत, रामोत, केशोदासोत, चंद्रसेनोत, गंगावत, रतन सिंह होते, महेशदासोत, भोजराजोत, अभयराजोत, केसर सिंह होते, बिहारी दासोत, करबसेनोत, भानोत, डुंगरोत, गयंद दासोत, जय सिंह होते, माधो दासोत, सकल सिंह होते, किशन सिंह होते, नरहर्ष दासोत, गोपाल दासोत, जगन्नाथ, रतन सिंह होते, कल्याण दासोत, फतेह सिंह होते, जेत सिंह होते, रत्नोत, अमर सिंह होते तथा आनंद सिंह होते। ये जोधा राठौड़ों की 45 मुख्य खापे हैं। उदावत राठौड़। जोधपुर नरेश सूजाजी के पुत्र उदाजी के वंशज उदावत राठौड़ कहलाए। बीका राठौड़। राव जोधाजी के पुत्र राव बीकाजी के वंशज बीका राठौड़ कहलाए। बीका राठौड़ की 24 मुख्य खापे हैं। ये खापे हैं धड़ सिंह होते, राज सिंह होते, मेघराज होते, केलन बीका, अमरावत, बिसावत, रतन सिंह होते, प्रताप सिंह होते, नारणोत, तेज सिंह होते, सूरज मलोत, करम सिंह होते, राम सिंह होते, निबावत, भीमराजोत, बाघावत, माधोदासोत, मालदेवोत, सरंगोत, गोपालदासोत, पृथ्वीराजोत, किशन सिंह होते, अमर सिंह होते, राजवी बीका। ये 24 खापे हैं राव बीका राठौड़ों की। अब है बिदावत राठौड़। राव जोधाजी के पुत्र बीदाजी के वर्षज है ये बिदावत राठौड़। इनकी 18 मुख्य खापे हैं। ये खापे हैं उदयकर्णोत, जालपदासोत, कृष्णावत, रामदासोत, गोपालदासोत, सांवलदासोत, धनावत, सिहावत, दयालदासोत, खंगारोत, धेनावत, मदनावत, हरावत, भीवराजोत, डूंगर सिंह होते, रासावत। तो ये इस प्रकार बिदावत राठौड़ की 18 मुख्य खापे हैं। चंपावत राठौड़। राव रीडमल जी के पुत्र चंपा जी के वंशज हैं चंपावत राठौड़। इनकी 15 मुख्य खापे हैं। सगत सिंह होते, राम सिंह होते, जगमालोत, गोयंदासोत, हरियाणोत, केशोदासोत, राय सिंह होते, राय मिलोत, विठल दासोत, बालोत, भापतोत, खेत सिंह होते, हरिदासोत, आईदासोत तथा किलाणदासोत। ये 15 खापे हैं चंदावत राठौड़ों की। मेड़तिया राठौड़। राव जोधाजी के पुत्र राव दूदाजी ने नागौर में मेड़ता शहर बसाया, तो उनके वंशज मेड़तिया राठौड़ कहलाए। मेड़तिया राठौड़ों की 27 मुख्य खापे हैं। वो हैं जयमलोत, सुरनाथनोत, केशवदासोत, अखे सिंह होते, अमर सिंह होते, गोयंदासोत, रघुनाथ सिंह होते, श्याम सिंह होते, माधोदासोत, कल्याणदासोत, बिशनदासोत, रामदासोत, विठलदासोत, मुकुंददासोत, नारायणदासोत, द्वारकादासोत, हरिदासोत, शार्दूलदासोत, अनोप सिंह होते, ईश्वरदासोत, जगमालोत, चांदावत, प्रताप सिंह होते, गोपीनाथ होते, मांडणोत, रायमलोत तथा रायमलोत कांधल मेड़तिया राठौड़। ये 27 खापे हैं मेड़तिया राठौड़ों की। इसके अलावा और भी अनेक राठौड़ों की मुख्य शाखाएं खापे हैं, जैसे पूनावत, कानावत, जेतावत,
कल्लावते, भदावते, मंडलावते, भाकरोते, पाताजी, रूपावते, करणोते, मांडणोते, नाथोते, सांडावते, बेरावते, अड़वाले, गढ़वाले, खेतशिंगोते, लखावते, डुंगरोचे, भोजराजोते, मालावते, नरावते, भदावते, राणावते, हापावते, शोभावते, रेकवार, जायस, केलवाड़, खोरिया, बिलसड़िया, सुखार तथा दहिया राठौड़। तो ये राठौड़ राजपूतों की मुख्य मुख्य शाखाएं तथा खापे हैं। इनके अलावा और भी अनेक खापे हो सकती है जिनको एक वीडियो के माध्यम से बता पाना नामुमकिन है। अब बात करते हैं राठौड़ों के ठिकानों के बारे में। राठौड़ों के अनेक सैकड़ों ठिकाने हैं जिनमें हजारों गांव बसते हैं। इस वीडियो में हम केवल मुख्य मुख्य ठिकानों के बारे में ही बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। राठौड़ों के ठिकाने हैं आहोर, अजीतपुरा, अलाई, आलसर, अमरपुरा, अमलेटा, अनूपशहर, अंतरवेरिया, आसोप, आउबा, बाकरा, बड़छापड़ा, बादीखाटू, बदनोर, बेई, बागड़ी, बाजेका, ठंगसरा, बालूंदा, बार, बाडली, बाना, बस्सी, बेर, बेरड़ा, भांदू, भादरा, भेंसवाड़ा, बुकरका, बिदासर, बिड़वाल, बिरकाली, बोड़ायता, बोगेरा, बुद्धी, बूसी, चंदावल, चंदेलाऊ, चंगोई, चाणोद, चरवास, चेलवास, चूंडा, चूरू, ददेरवा, जामला, धामली, धनला, धनपुर, धरसीखेड़ा, दूदोर, फालना, गरबदेसर, गर्णिया, गढ़सीसर, गिजगढ़, धानेश्वराव, घंटियाली, गुणदी, गुमानपुरा, हाजीवास, हरासर, हरदेसर, हरियाधना, हरजी, जबरासर, जेतपुरा, जाखोड़ा, जामली, जनाउमीठी, जावला, जसोल, जसाना, झारिया, जिलिया, जोगवा, जुणदा, जोलायन, कंबा, कनेरी, कनेकलान, कानोता, कंटालिया, कसुम्बी, कातरबड़ी, कावला, कौराड़ा, केरिया, खड़ाया, खारदा, खवासा, खेड़ला, खेजड़िया, खिमसर, खिवाड़ा, खुड़ी, खुड़, कोरना, कोटड़ा, कुचामन, कुंभाना, कुरझड़ी, लोधराऊ, लोहा, मगरसर, महाजन, मेदास, मरुवाड़िया, मेघना, मेरियाखेड़ी, मोहर्रा, नायला, नीमा, नोखा, नीमज, नोखा चंदावता, पचलाना, पदंगा, पलाना, पारा, पीलवा, पोखरण, राडावास, रायढाणा, रायपुर, राजासर, राजपुरा, रलावता, रामसर, रणसिंगांव, रावतसर, रिया, रीडी, रिंसी, रोडला, रोहेट, रामादिया, संदला, सांखू, सरोठिया, सरसी, सारथल, सेमलिया, संखवाली, शिवगढ़, सिद्धमुख, शिखरानी, शिमला, सिंदरली, सिरियारी, शिवाना, सुरनाना, तलावगांव, तेहंदेसर, तेजरासर, ठेलासर, थिराना, थुम्बा, उडानी, उखारदा तथा उमरकोट आदि ये राठौड़ों के मुख्य ठिकाने हैं। रही बात रियासतों की, तो रियासतों पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने सभी राजपूत वंशों की रियासतें बताई हैं, वह वीडियो आप ज़रूर देखें। राठौड़ राजपूतों का अत्यंत गौरवमय और स्वर्णिम इतिहास रहा है।
इस इतिहास पर हम आगे भविष्य में भी ज्ञानवर्धक वीडियोस हमारे राजपूतों के यूट्यूब चैनल राजपूत मिस्ट्री पर लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल राजपूत मिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा सभी राजपूतों तक यह वीडियो शेयर करें। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। आपकी कोई अपनी राय हो राठौड़ वंश के बारे में तो हमें इस वीडियो का कमेंट में ज़रूर बताएं। जय भवानी।